सफलता दोहरी हत्याकांड का खुलासा 48 घंटे में कर दिया। दो दिन पहले उज्जैन संजय नगर में अनिल यादव के घर में उनकी पत्नी सरिता यादव उम्र 40 वर्ष एवं पुत्र अभय दास उम्र 19 वर्ष की धारदार हथियार से प्राण घातक कई चोटें पहुंचाकर जगन्नाथ ने हत्या कर दी। सूचना मिलते ही थाना चिमनगंज पुलिस मौके पर पहुंचा और फरियादी विजय पिता श्री राम हटिया संजय नगर की रिपोर्ट पर धारा 302 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर संदेही अनिल यादव के विरुद्ध पंजीकृत कर मामले में विवेचना में ले लिया। इस जगत में दोहरा हत्याकांड से चार उज्जैन में सनसनी हत्याकांड से चारों उज्जैन में सनसनी चारों तरफ फैल चुकी थी। पुलिस अधीक्षक सचिन कुमार अतुलकर उज्जैन, एडिशनल SP रूपेश द्वेदी और CSP करण सिंह रावत द्वारा तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। आरोपी नेम रितिका सरिता के शरीर पर धारदार हथियार से 13 प्राणघातक चोटें और मृतक अभय यादव के शरीर पर 9 चोटें पहुंचाए। इस जगह ने हत्याकांड के आरोपी की तत्काल धरपकड़ करने के लिए उज्जैन एडिशनल SP रूपेश द्वेदी, HP करण सिंह रावत के नेतृत्व में थाना प्रभारी चिमनगंज जितेंद्र भास्कर, सब इंस्पेक्टर रविंद्र कट, वरण आरक्षक शैलेंद्र आरक्षक, आशुतोष आरक्षक दिनेश, बेस आरक्षक राजपाल की टीम गठित की गई। टीम के अथक प्रयासों से 48 घंटे के अंतर में ही इस जगन्य हत्या का उज्जैन पुलिस ने खुलासा करने में कामयाबी हासिल की। थाना चिमनगंज में हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ, जिसमें एक महिला और एक बच्चे की हत्या कर दी गई। चूँकि दोहरा हत्याकांड था, उसी द्वारा इसको गंभीरता से लेते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारी एफएसएल साइंटिस्ट के द्वारा मौके का भ्रमण किया गया। क्योंकि महिला और उसके पति का लगातार विवाद होता रहता था, तो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया था पुलिस ने उसके पति संदेह को जो है टीम बनाकर तत्काल गिरफ्तार किया। और पूछताछ में सामने आया है कि महिला और उसके पति के बीच जलित शंका और मकान विवाद को लेकर लगातार झगड़ा होता रहता है, और उसी के कारण पति ने योजनाबद्ध तरीके से पत्नी की हत्या कर दी। और जो बच्चा है घटना साक्ष्य से होना था, इस कारण बच्चे की भी पति द्वारा घटना हत्या कर दी गई। पुलिस ने इसको तत्परता से लेते हुए कार्रवाई की, प्रकरण को महत्वपूर्ण मानते हुए इसको चिन्हने के लिए सनसनी प्रकरण की श्रेणी में ही रखा। जिन पुलिस अधिकारी कर्मचारी ने अच्छा काम किया, उसको किया धारा 144 किया जाता है, जिसमें जो आदेश जारी हुआ था वहाँ से अधिक समूह के रूप में कहीं एकत्रित ना हो ये प्रतिबंध लगाया गया था। अभी वर्तमान में इसको शिथिल किया गया है, लेकिन जो सोशल मीडिया उसमें अभी भी निगरानी लगातार जारी है। जो भी कार्यक्रम रैलियाँ जुलूस किए जाएंगे वो अनुमति के साथ किए जाएंगे।